बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बाबू मैंने आप लोग को पिछले वीडियो क्लास में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक सारा क्वेश्चन आंसर के साथ मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, और यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है बाबू। यहाँ पर जितने भी शब्द आते हैं सारे को याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है वो शुरू होता है। कहता है पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, कहता है एक नंबर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। मैं आप लोग को बता दूंगा, अभी तक आपने मेरे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर ही आप लोग को दिखा मिलेगा, ठीक है। उस पर हम क्लास 8 का मैथ भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप लोग जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐसे हम लिंक भी डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का पंक्तियों को पूरा करना था। कहता है मेरा तेरा मनुआ, यहाँ पर आप लोग देखिएगा मेरा तेरा मनुआ, ठीक है ना, कैसे एक हो ही रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो ही रे, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता है कागद की लेखी, मैं कहता सुरझा वनहारी, ठीक है, तू राख्यो उड़ जाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे, ठीक है ना बाबू। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इस पंक्ति को क्या करना है, भर लेना, ठीक है। दूसरा देखिए, कहता है ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा क्या कहता है जी, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग वैराग में। मतलब कहते हैं कबीरदास जी कि हम जो प्रभु जो हैं ये ना कोनो क्रियाक्रम कोनो भी काम करेंगे, ठीक है ना, उससे मिलेंगे, ना ही जोग वैराग करने से मिलेंगे। खोजी हो तो तुरंत ही मिला हो पल भर की तलाश में। अगर तुम सच्चे मन से सच्चे हृदय से अगर अच्छे से भक्ति करके है ना अच्छे से तुम खोजोगे तो तुमको क्षण भर में, ठीक है, तुरंत मिल जाएंगे पल भर की तलाश में। पल भर तुम तलाश करोगे, पल भर अगर सच्चे मन से सच्चे हृदय से तुम तलाश करोगे तो पल भर में तुमको मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में, सब सांस की सब प्राणियों के है ना प्राण में निवास करते हैं ईश्वर, ठीक है। ये बात सभी कबीरदास जी कहते हैं, और आप लोग को इसी बात को लिखकर इस पंक्ति को पूरा करना था। तो बाबू मैंने कर दिया, आप लोग को ऐसे मैंने बता दिया, अब थोड़ा हम आप लोग को दिखा देते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिया गया है पंक्ति पूरा, यहाँ पर आप लोग वो जो है भर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को पंक्ति के चारों लाइन को अच्छे तरीका से लिख लेना है जी, ठीक है। चलिए सेकंड वाला भी मैं दिखा देता हूँ। सेकंड वाला यहाँ पर था, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जो वैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिले पल भर की तलाश में। इस प्रकार आपको ये पंक्ति भी लिख लेना है जी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। जो पंक्ति दिया गया है ना इसका भाव स्पष्ट करना है, भाव अर्थ लिखना है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो बाबू कहता है मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे। मतलब मोह न माजा नहीं करो, ठीक है, ये हम कहते हैं, लेकिन तुम क्या होता है मोहित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कबीर के अनुसार, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति कबीर के पद से लिया गया है जिसके लेखक कबीर के जी के अनुसार, कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य को अनुरागहीन यानी कि क्या निर्मोही, किसी से मोह नहीं करना चाहिए, निर्मोही होना चाहिए, क्योंकि अनुरागहीन होने से मनुष्य का कल्याण होता है, इसके विपरीत मनुष्य अनुराग में पड़ता, मनुष्य क्या हो जाता है अनुराग मोह माया में रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए कहता है मोह को कहाँ ढूंढने बंदे मैं तो तेरे पास में, तो इस पंक्ति का भी लिखना था। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति कबीर के पद से लिया गया है, इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मानव ईश्वर को यत्र तत्र मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते, लेकिन ईश्वर तो मनुष्य के पास हृदय में निवास करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को लिख दे रहा है अर्थ में, ठीक है, आप लोग जितना सजा के लिख सकते हैं। आगे है मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो लिखेंगे मोको शब्द ईश्वर अल्लाह के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे देखिए पाठ से आगे का क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कबीर की रचनाएं आज
के समाज के लिए कितना सार्थक उपयोगी है स्पष्ट कीजिए। मतलब कबीर जी की जो रचनाएं हैं वो आज के समय के लिए कितना सही है ये बात आपको लिखना है। तो लिखिए कि कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए अत्यंत सार्थक उपयोगी है, जहाँ आज भी बाह्य आडंबर को मान्यता दी जा रही है। ठीक है, बाहरी आडंबर जो करते हैं उसको मान्यता दी जा रही है आज के समय में, जबकि मनुष्य के पास समय का अभाव है। अत्यंत भाग दौड़ के बाद मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा कर पाता है। ऐसे काल में भी मनुष्य यदि तीर्थ यात्रा आदि समय को नष्ट कर रहा है तो मूल है, क्योंकि ईश्वर तो हर एक प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। मनुष्य के लिए सच्ची भक्ति तो मानव सेवा ही है। इन सब बातों को सीख कबीर के पद से मिलते हैं। इस सब बात हमको कौन सिखाता है? तो कबीर के पद सिखाते हैं। अतः कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए उपयोगी है, वह अत्यंत सार्थक है। ठीक है ना, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर एंड सेकंड क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं, तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। कहता है सगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसको हम लोग सगुण भक्ति धारा बोलते हैं। निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है? जिसमें ईश्वर के निराकर मतलब क्या बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है। आधार पर कबीर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को मानव हृदय में गिराने वाला बताया है। उनके अनुसार मंदिर मस्जिद या कैलाश आदि तीर्थ स्थान में साकार स्थित देवताओं की मूर्ति में ईश्वर नहीं रहते। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। कहता है सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों के नाम लिखे। तो लिखेंगे सगुण भक्ति धारा भी तुलसीदास एवं सूरदास है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा भी कबीरदास एवं रविदास है। ठीक है, ये दोनों आप लोग को लिख दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार रूप आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, कहता है वैसी व्यक्ति को खोज कर लिखिए जिसमें कबीर ने धार्मिक आडंबरों को कुठारघाट किया। ठीक है, तो लिखेंगे मुँह को कहाँ ढूंढे मंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं कालाश में ना तो कोनो क्रियाक्रम में खोजी हो तो तुरंत ही मिले। ठीक है, क्योंकि ईश्वर जो है हर प्राणियों के प्राण में निवास करते हैं। ठीक है, कहता है मुँह को कहाँ ढूंढे मंदे हमको कहाँ ढूंढ रहे हो? ठीक है, मैं हर प्राणी के पास में हूँ, मैं ना ही कैलाश पे मिलूँगा ना ही कोनो क्रियाक्रम में मिलूँगा ना ही कोई आप आडंबर करते हैं बाहरी आडंबर दो दिन व्रत कर लिए इससे भी मैं नहीं मिलूँगा। अगर आप सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुरंत मिलूँगा। मैं हर प्राणियों के प्राण में निवास करता हूँ, सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप सच्चे मन से हमको बुलाइए, हम तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में हम देंगे PDF लिंक नाम से एक लिंक, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, यदि आप लोग हमारा क्लास 8 का नोट्स लेना चाहते हैं, वो मंजिल बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर जाकर ये मेरा नंबर है इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। आप लोग को सारा कुछ बताया जाएगा। और मेरा डेली क्लास जो है वो शाम के 6 बजे मिलता है, तो आप लोग आकर डेली देख लिया कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में आप लोग इस चैप्टर के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक अगर आप लोग कंप्लीट नहीं किए तो जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। हम प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को पूरा विजिट कर लीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।